PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। भाई डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। 3 में से अगर आपको 2 भी है ना, देन यू आर कंसिडर्ड टू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बट देयर इज़ नो टेस्ट टू डायग्नोज। हम डॉक्टर के पास जाएं, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वंस यू आर डायग्नोस्ड देन द न्यूट्रिशनिस्ट कैन हेल्प यू। चीनी तो फिर हर चीज़ में हमारे चीनी शामिल होती है, वो भी सफ़ेद चीनी। ऑल्टरनेट्स क्या है? रिफाइंड चीनी को चेंज करके आप गुड़ पर आ जाएं। आप असली दूध ढूंढें अपनी फैमिली के लिए। कभी सोचा था कि ये दूध, चीनी और आटा ही हमारे सेहत के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे? वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड मसाइल होंगे इनकी वजह से। इनफर्टिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, पीसीओएस। पीसीओएस, क्या बात की आपने। आज मैं फरियाल फहद और ज़ैनब आपके साथ बात करेंगे पीसीओएस पे कि ये एक्चुअली है क्या, और उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में मारूक अब्बासी, हु इज़ अ होलिस्टिक हेल्थ कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक होलिस्टिक हेल्थ कोच, इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ कोच। बेसिकली मैं उन ख़वातीन से डील करती हूँ एंड आई हेल्प दोज क्लाइंट्स जिनको पीसीओएस या पीरियड इरेगुलरिटी या पीरियड इश्यूज़ हैं। तो उसमें सिर्फ हम खाने पीने की बात नहीं करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग का मतलब होता है कि हम उसमें ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ कवर करें, जैसे कि रिलेशनशिप्स, जॉय, करियर, फिज़िकल एक्टिविटी, फाइनेंसेस, होम एनवायरनमेंट, ये सब और इससे भी ज़्यादा आपके ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं जिन पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर वो हमारी प्राइमरी न्यूट्रिशन होती है। उसके अलावा हमारी सेकेंडरी न्यूट्रिशन जो होती है वो खाना पीना होता है। बाय द वे, आई थॉट दिस यूज्ड टू बी लाइक दैट्स व्हाट आई अदर वन थिंक। लेकिन वाकई ये बात कितनी ज़रूरी है कि हमारे डेली लाइफ और उसमें रिलेशनशिप्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो। देखें, अगर आपकी बैकग्राउंड में रिलेशनशिप्स एक इशू है उसमें, या आपके करियर में कोई इशू है, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, तो आप वहीं फंसे रहेंगे ना। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा और एक अनसर्टनटी होगी ना, तो वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और ये समझना कितना ज़रूरी है कि हमारे रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और फिज़िकल मैनिफेस्टेशन कितनी ज़्यादा है कि वो नज़र आती है। बिल्कुल। सो ज़ैनब, व्हाट इज़ PCOS एंड टेल देम व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सो PCOS इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। भाई डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, और इतनी सीधी भी चीज़ नहीं है कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो कह दिया कि भाई दिल का मसला है, तो इसमें इतना सीधा नहीं है। सिंड्रोम क्या है भाई? एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं। कभी ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक भी है, किसी को 2 सिम्टम्स हैं, किसी को 3 है, तो सबको एक अम्ब्रेला टर्म दे दी PCOS। तो व्हाट आर दी सिम्टम्स, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? मैं आपसे ज़्यादा इसके बारे में पूछना चाहूँगी मारूक, कि आपके पास जो क्लाइंटल है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपके पास आर द मोस्ट कॉमन? 3 मेजर जो सिम्टम्स हैं ना, वो ये हैं कि अगर आपकी सिस्ट्स हों ओवरीज पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक मेजर सिम्टम है अगर आपके मेल हार्मोन्स ज़्यादा हों, इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस। और नंबर 3 है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हों। इन 3 में से अगर आपको 2 भी हैं ना, देन यू आर कंसिडर्ड टू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बट देयर इज़ नो टेस्ट टू डायग्नोज इट। अच्छा, ख़वातीन के मसाइल में एक शेम का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पीरियड्स का नहीं इतना आइडिया होता मारूक, तो हम इरेगुलर पीरियड्स किसको कहें, यानी जब यंग लड़कियां कैसे नोटिस करें कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब हमें शुरू होते हैं 11 या 12 साल की उम्र में, उस वक्त लड़की वैसी कंफ्यूज्ड होती है, तो तकरीबन वो 15-16 साल तक हो जाती है। तो अगर उसके इरेगुलर हैं पीरियड्स, तो उसको ये समझ नहीं आती है कि क्या ये मेरी साइकिल ही ऐसी है, क्या मेरे कभी भी नॉर्मल होंगे, क्योंकि ये तो पता चल जाता है कि इट इज़ नॉट मंथली जो हमें आ रहे हैं, या बहुत महीनों नहीं आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक महीने में। तो अगर वो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनसे बात करें, बेटियों से, और अगर आप ख़ुद ऐसी हैं जिनको इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, तो फिर आप अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये फर्स्ट यहाँ पे मैं ये पूछना जरूरी समझूंगी कि रेगुलर डेज क्या हैं आपके, व्हाट इज द रेगुलर रेंज ऑफ डेज? देखिए सबकी बॉडी पे डिपेंड करती है उनकी साइकिल, लेकिन अगर आपको हर 25 दिन पे या 25 से लेके 32 डेज में किसी भी टाइम पे आपको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं तो आप फिर भी रेगुलर विंडो के अंदर हैं। अच्छा, वन मोर सिम्टम दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और एक और हार्मोन का इशू होता है थायराइड में, जिसमें हम यूजुअली पीसीओएस और इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। एक्चुअली आपको पीसीओएस थायराइड की वजह से भी हो सकता है, थायराइड इशू की वजह से, ठीक है, लेकिन वो आपको टेस्टिंग से ही पता चलता है, थायराइड की टेस्टिंग से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मुझे शुरू हुआ तो मुझे पीसीओएस एंड थायराइड इशू दोनों साथ हुआ था, लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है दैट मींस कि आपकी बॉडी इंसुलिन सही इस्तेमाल नहीं कर रही, जो आपको प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं वो भी पीसीओएस इंड्यूस कर सकती है। बाय द वे मैं ऑनगोइंग डिबेट भी है कि वेट गेन की वजह से हो रहे हैं पीसीओएस या पीसीओएस की वजह से वेट गेन हो रहा है। सो आई टेक अ स्टैंड ऑन दिस एंड आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स, लिसन, योर वेट इज इट्स नॉट योर फॉल्ट, ओके, यू हैव पीसीओएस, that's why you gain the weight. You will go to the root cause, we will, you know, actually work together to resolve this. And then your weight will go away. मैं इस पे पूछने वाली थी कि जब भी हमें सारे सिम्टम्स या इसमें से 2 out of 3 दैट यू सेड कि अगर हमें इसमें हो इनमें से कोई भी 3 मेजर सिम्टम्स में से, तो हम जाएं किसके पास? हम डॉक्टर के पास जाएं, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, इस मसले को एड्रेस कैसे करें? क्योंकि जो आपने वेट गेन की भी यहाँ पे बात हो गई है ना, तो मोस्टली पीपल दैट आई हैव हर्ड हैड पीसीओएस, उनको क्लियरली वहाँ पे लिख दिया जाता है सबसे पहले आप वेट कम करके। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब, जब आप रूट कॉज को ही नहीं पूछ रहे हैं तो वेट वो कैसे कम करके आएगी? यू नो, अनफॉर्चुनेटली गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये समझते हैं कि वेट गेन की वजह से आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं या पीसीओएस है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ डॉक्टर्स हैं जिनमें अभी भी एक वो एम्पैथेटिक साइड उनकी है, जो नए डॉक्टर्स हैं उनको समझ आ रही है दैट दिस इज़ अ मेटाबॉलिक इशू या दिस इज़ अ न्यूट्रिशन इशू या दिस इज़, यू नो, मैं फिर भी सबको एडवाइस करती हूँ कि पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वंस यू आर डायग्नोस्ड देन द न्यूट्रिशनिस्ट कैन हेल्प यू। And I think a nutritionist should be part of the healthcare team, Maroukh. Oh yes. बहुत important है. That's the missing gap. Yeah, exactly. I think nutritionist should be a part even before that. Yes. What do you think? क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम अकर कर रहा है, मैंने ज़्यादा इसमें मैरिड ख़वातीन को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो तो इस चीज़ को तब एड्रेस कर पाती हैं मेरे ख्याल से जब उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा टीनेज लड़कियों में ये इशू आ रहा है वो प्रॉब्ली न्यूट्रिशन का ही फॉल्ट है। लेकिन ये कहाँ से शुरू होता है? ये घर से शुरू होता है, ये स्कूल से शुरू होता है, ये हमारी कम्युनिटी से शुरू होता है। तो जब आप देखें जहाँ भी, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ के खाने सही नहीं होते, हालांकि वो हॉस्पिटल है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अजीब कैंटीन में गंदा खाना मिल रहा होता है, हालांकि वो स्कूल है। तो ये न्यूट्रिशन जो है ना, इसको शुरू से हमें लेके चलना है, घर से। अच्छा, और घर का खाने का तो है ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ है, एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि हमारा जो देसी खाना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें चांस ही नहीं रहता। एक तो मज़े का बहुत होता है, फिर चावल हमारा स्टेपल है, फिर आलू भी है, अगर बिरयानी है और वो बीफ की है तो उसमें फैट भी है, तो क्यों ना खाएं? तो खा लें, तो क्यों ना खाएं? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही यानी फैटनिंग और शायद वेट गेन पे वो इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको बताती हूँ, आप इंजॉय कर सकती हैं अपने देसी खाने, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हमारी जो हिस्ट्री, अगर हम जाएँ थोड़े से भी 50 साल पहले या 70 साल पहले जाएं, तो जो हम खाने खाते थे वो हमारे लिए, जो स्पाइसेस हम डालते हैं, जो फैट हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए एक न्यूट्रिशन है, मतलब उससे हमें एक फ़ायदा हो रहा है, राइट? सॉरी, सबको समझ नहीं आती, लेकिन उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। जो अब पिछले 30 इयर्स में भी अगर आप मुल्क का हाल देख लें, ओबेसिटी देख लें, डिजीज़ देख लें, ये सब बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि फ़ास्ट फूड चेन्स खुल गई हैं, फ़ास्ट फूड चेन्स खुल गई हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने कल्चर से या अपने खानों से दूर हो गए, और चाहे आपके बच्चों को या आपको ख़ुद भी थोड़े से डिफरेंट खाने भी पसंद हैं, वो भी आप बनाएं, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ बनाएं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि अ बिग नो, तो वो होगा प्रोसेस्ड फूड्स के लिए. यस, अ बिग नो फॉर प्रोसेस्ड फूड्स एंड आउट ऑफ सीजन फूड्स. आउट ऑफ सीजन फूड्स. अच्छा, ये सारे हमने सिम्टम्स की बात की. अगर हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं और डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होना चाहिए फिर इसके लिए? अगर हम डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन हमें ख़ुद भी तो इसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए ना कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे लिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फरियाल, सॉरी, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स मैंने तो कहा, लेकिन शायद सबको समझ नहीं आई होगी ना, प्रोसेस्ड फूड्स क्या है. मतलब कि जो असली खाना नहीं है, जो भी चीज़ पैकेज्ड और आपको शेल्फ पे रखी हुई मिल रही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा जैसे दूध है या वो चीज़ है या वो किसी तरह का गोश्त का आइटम है, वो असली नहीं है. जो चीज़ ख़राब नहीं हो रही ना, वो असली नहीं है. तो जो चीज़ ख़राब हो रही है वो असली है, वो आप खाएं ना, तो उसमें आपके लिए तो हम नेचर के करीब रहें. बिल्कुल, बिल्कुल. नाउ कमिंग बैक टू डायग्नोसिस. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी आपको सिम्टम्स होते हैं तो आप जाएं डॉक्टर के पास, आप अपना चेकअप कराएं. शायद वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाए और शायद वो आपको टेस्ट बताए. तो बहुत अच्छा होता है कि वो थायराइड रूल आउट करें पहले, डिफिशेंसीज रूल आउट करें. उसमें आ जाएगा आपकी जी विटामिन डी डिफिशेंसी अगर है, जो कि बहुत कॉमन है, और स्पेशली इन आवर सब कॉन्टिनेंट. हम क्योंकि धूप से बचते रहते हैं, सूरज से जाएंगे ना, हाँ, रंग खराब हो जाएगा ना, हाँ, वही ना. तो अगर हम उससे बचते रहते हैं ना, तो हमें विटामिन डी तो मिलती ही नहीं है. खानों में क्योंकि न्यूट्रिशन कम होती जा रही है, हमें अपने खानों से वो विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो पहले होते थे. तो डॉक्टर्स आपको वो टेस्ट्स देंगे जिसमें आपकी डिफिशेंसीज भी नज़र आए. अच्छा मारो, क्या हमारे पास डायग्नोसिस कि फेज़ में क्या हमें ये काउंसिल किया जाता है कि ये तो हो गए आपकी डायग्नोस्टिक्स जो जो आपकी ज़रूरी थी, लेकिन अब आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाना चाहिए? क्या ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है? नहीं, मैं बताऊं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जब बताया था कि मुझे डायबिटीज़ का खदशा है, तो उन्होंने बस यही बताया था. अच्छा. और मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखें, ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में होना चाहिए ना ये, बिकॉज वी हैव टू वर्क एज अ टीम. टॉकिंग अबाउट योर प्रेगनेंसी, I've heard that you also suffered, you are also a victim of PCOS. मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मैं तब से शुरू करती हूँ जब मुझे डायग्नोसिस मिला था. ठीक है, I was 18 years old इन शिकागो, और मेरी डॉक्टर एक हैं, और बहुत सारे टेस्ट हुए थे, पता नहीं कौन कौन से हुए थे, जो मुझे बहुत पेनफुल टेस्ट भी थे. उसमें वो डॉक्टर आके मुझे बताती हैं कि मुझे एक तो थायराइड इशू है, हाइपोथायराइडिज्म है मुझे, और PCOS है. And I'm like, what is PCOS? You know, she had no guidance for me. And this is back in like 1998. Okay. कोई Google नहीं था उस वक्त मेरे पास. मुझे तो पता ही नहीं था PCOS क्या है. मेरी अम्मी को भी नहीं पता था. And considering you were in Chicago. And I was in Chicago. तो खैर, let's fast forward. उन्होंने जो दवाई मुझे दी, मैं बहुत अच्छी बच्ची की तरह लेती रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. अच्छा, आपको दवाई दे दी गई, आपको कोई न्यूट्रिशन पे नहीं, नो न्यूट्रिशनल गाइडेंस, नो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल. कैन यू टेल अस कि क्या मेडिसिंस थी, मतलब फर्स्ट चॉइस क्या थी? एक तो मेटफॉर्मिन थी, ठीक है, जो कि डायबिटिक्स को देते हैं, और एक बर्थ कंट्रोल पिल थी. मुझे, हाँ, मेंसेस हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी. मैं वैसे ही फूलती जा रही थी, मेरे हिर्सुटिज्म वैसे ही था, मेरे स्लीप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे मुझे, इतने थे कि आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग दिस कॉफ मेडिसिन जस्ट टू स्लीप. इट वाज समथिंग आई वेंट थ्रू. आई केप्ट टेकिंग द मेडिसिन बट नो चेंज इन लाइफस्टाइल. सो यू कुड सी के वो सिर्फ मुझे हाँ, डायरिया इंड्यूस होता था. थोड़ा बहुत शायद मेरा वेट स्टेबल हो गया था, कम नहीं हुआ था, I think बड़ा ही होगा. And how long did you take this medicine for? So I took it for years, on and off, till I was 36 years old. Oh my God! So it was like an 18-year span. Yes. You were not directed towards nutritionist. No. And you were just taking medicine. Yes. और एक और चीज़ जो मैंने notice की है कि metformin आपको start की गई, और इसमें आपको gastric जो उसके side effects हैं वो नहीं बताए गए, क्योंकि metformin के साथ vitamin B complexes और folic acid ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि diarrhea और ये सब कुछ हो जाता है उसके. So in that case, I think I got lucky, क्योंकि जब मुझे metformin दी गई तो the doctor was good and she counseled me कि you can even get a probiotic with it क्योंकि इसका इफेक्ट आएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे तो मैं दैट्स वेरी गुड। मैं तो थायराइड मेडिकेशन भी ले रही थी और मुझे बस ये कह दिया गया था कि फॉर लाइफ यू हैव टू टेक इट एंड देन दे जस्ट हैंडेड मी, इट वाज लाइक अ डेथ सेंटेंस, यू माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रेग्नेंट, सो यू आर टेलिंग एन 18-year-old that you're going to have you know, fertility issues, who's not even married, and you're going to have to take medicine for the rest of your life. Like, what kind of an issue is this? Is this a disease or is this a syndrome or what? I didn't even know what it was. It was वो चीज़ से और डिप्रेशन हो गया था मुझे। वैसे दिस ईयर आई हैड अ फ्रेंड जिसको शी हैड सम इशूज़, उसने शादी से पहले ये एड्रेस करने की कोशिश की एक गायनी के साथ। द गायनी लाफ्ड एट हर एंड शी सेड, ओह गूगल पे पढ़ के आई हैं ना आप, तो यानी अगर पेशेंट को पता है तो आप ये बातें कर रहे हो, आपको आपका काम है एड्रेस करना उस सिचुएशन को। एंड देन शी गॉट मैरिड एंड देन उसने इतना जल्दी वेट गेन किया और उसके बाद उसको ऑब्वियसली फर्टिलिटी इश्यूज आना शुरू हो गए और डॉक्टर्स ने कोई और न्यूट्रिशन और इस तरफ नहीं गए, दे जम्प्ड टुवर्ड्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और PCOS बोल दिया गया और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहे हैं और उसमें पता है आपको हार्मोन इंजेक्शंस लगते हैं। और उसके बाद जब वो कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो देन शी स्विच टू अनदर डॉक्टर और वो कहते हैं कि आपको PCOS ही नहीं है। ओह गॉश। एंड देन शी इज़ लाइक होपलेस नाउ एंड शी इज़ गिवन अप एवरीथिंग। When I am coaching any client, we try to start with, you know, the gut, the lifestyle together. So that way, अगर आपकी नींद सही होती है ना तो भी आपका gut effect होता है positively. Basically, अगर आप sleep deprived होते हैं तो वो आपके दूसरे issues शुरू हो जाते हैं. Causes वैसे PCOS के अभी तक कोई अननोन है, हाँ, अभी कोई ऐसा वो नहीं है रिसर्च इसमें पता चले कि भाई ये एग्जैक्ट कॉजेज हैं। बट व्हाट डू यू थिंक एग्रवेट्स दिस कंडीशन? आई थिंक के मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी को PCOS हो जाता है, ठीक है। उसमें डिफिशेंसीज भी आ जाती हैं आपकी और आपकी स्लीप साइकिल आ जाती है और आपके जो दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ है ना वो आ जाते हैं। तो ये यानी इस्टेब्लिश हो चुका है कि अगर हम PCOS को क्योर करने की बात करें तो उसमें जो हमारा मेजर कंसर्न है दैट शुड बी लाइफस्टाइल, बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिक आपके फैक्टर्स जो आपको न्यूट्रिशन यानी उसमें। तो पहले हम बात करें प्राइमरी या पहले हम बात करें सेकेंडरी की? लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी। और आपने अभी वर्ड यूज़ किया क्योर, तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको PCOS है तो पहले आप मैनेजमेंट की तरफ जाएं। आप मैनेजमेंट करेंगे और आपके पास मोटिवेशन होगी तो आप उस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं जहाँ पर आपका PCOS बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट दैट डजंट मीन इट कांट रिटर्न। सो माई PCOS केम बैक आफ्टर माई थर्ड बेबी, सो it doesn't mean that you, that means that you will have to live a certain lifestyle. Causes की जब हम बात कर ही रहे हैं तो जब मुझे डायबिटीज़ का खदशा हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि क्या रीज़न है, मैं क्या करूं, तो मैंने अपने तौर से जिम स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट खातून थी ना वो मुझे देख रही है, ये बंदी महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं लगाती थी हेडफोन्स, तो मैं कार्डियो कर रही हूँ, हेडफोन्स लगाए हुए। तो एक दो मैंने बोला, बेटा ये सारा जो मसला है ना तुम्हारा ये मोबाइल की वजह से, ये तुम उतारो, तुम पतली हो जाओगी। मतलब मैं कहा भाई आप कॉजेस की बात कर ही लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस की तुम बात कर रही हो इसमें, तो यहाँ तक बोल दिया जाता है जो अब तुम मोटी हो रही हो तो बच्चे कर लो तो उनके पीछे भागोगी तो कम हो जाएगी। भाई इश्यू ही कुछ और है, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हाँ ऊपर से। और फिर जब यंग बच्चियों को मैं देखती हूँ किस तरीके से वो बैश कर रहे होते हैं कि कब तक फैलोगी, कितना और फैलने का प्रोग्राम है, और अम्मा लग रही हो और कुछ अपनी एज की लगो। हमारे 4 हो गए, हम ऐसे इतना नहीं, हमने अब वेट गेन किया। हाँ, तो अच्छा लाइफस्टाइल में अगर वापस आए तो क्या मुझे बताओ कि वाकई में पोछे लगाने में और अपने काम खुद करने में और लाइफस्टाइल चेंज करने, Why not? देखिए मतलब aside from like these तानाज, हमारे ना हमारे कल्चर में ताने हर बात पे देना ना, किसी भी बात पे, अच्छी बात भी हम ना बुरी करके, हाँ मतलब कॉम्प्लीमेंट तो करना ही नहीं है किसी को, बस कीड़े ही निकालना है। तो उससे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, छोड़ दें ये बातें। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम खुद करें, वैसे भी चाहे आपको कोई मसला हो या ना हो, क्योंकि हम बनाए गए हैं माशाल्लाह, हमारे हाथ पैर हैं जो चलते हैं। एक छोटी सी बात है, मेरा बीच वाला बेटा मेरे छोटे बेटे से कह रहा था कि मुझे यू नो पानी ला दो या पता नहीं क्या दे दो, तो उसने भी यही कहा कि मतलब माशाल्लाह Allah Taala gave you hands also, you know, do it yourself. लाइक छोटी सी बातें हैं, आप खुद करें, हरकत में बरकत है, दैट्स द स्टेटमेंट यू नीड टू रिमेंबर। अब ये तो सिर्फ वॉक की या जो घर के काम है ना उनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी तरह की प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या जो भी आपका है, वो आपका अलग एक टाइम होता है, उससे आप डी स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी लाएँ अपनी लाइफ में, और सिर्फ प्रे करना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, अपने दिल को साफ़ करना भी होती है, ठीक है। और वो इन्हीं चीज़ों से होती है कि आप बैठ के थोड़ी देर सोचें, आप प्रेजेंट में आ जाएं, ग्रैटिट्यूड हो, थैंकफुलनेस हो, आप जो अगर नमाज पढ़ते हैं जो भी आपकी प्रैक्टिस हो, तस्बीह करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो, वो करें। नाउ यू हैव फिजिकल एक्टिविटी एंड यू हैव अ कनेक्शन यू नो विद अ हायर बीइंग। अब इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ें देखनी है अपनी लाइफ में कि स्ट्रेस हम रिमूव नहीं कर सकते, बहुत सारे स्ट्रेस हैं जो होते ही हैं हमारे घर में ना या हमारी लाइफ में, तो अपने आप को आप ट्रेन कर सकते हैं कि आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे। क्या वो प्रेयर इस वक्त आपका टूल है या वो ब्रेथ वर्क आपका टूल है? आपको 5 सेकंड लगेंगे ये सोचने के लिए कि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जाएं अपने कमरे में, अपने ब्रेक रूम में, या अगर आपका कोई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो एक ऐसा कोई लैब होगी जिधर आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर, उधर जाके आप डीप ब्रीदिंग करें। बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी में ब्रेथ लाएं, क्योंकि हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं पूरा वक्त, हम सीने से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी कांस्टेंट एक पैनिक मोड में, एक स्ट्रेस में रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे, कितनी ज़रूरी है कि आपकी जो करीबी रिलेशनशिप्स हों उसमें पीस हो, उसमें यू नो क्या कहते हैं अमन हो। आप के चाहे वो पेरेंट्स हों या सिबलिंग्स हों या सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका लाइफ पार्टनर हो, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आपस में कम्युनिकेशन ओपन रखें और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, अपने आप को ओपन करें ना। बाय द वे एक रिसर्च थी जिसमें था कि 90% ऑफ द स्ट्रेसेस come from the unresolved relationship issues. Of course, why not? उससे आपकी नींद उड़ जाती है और उसी से आपकी happiness फिर vice versa है। उससे आपके खाने के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की आदत हो जाती है, कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप कुछ किसी वजह से डिप्रेस्ड होते हैं या आप कुछ नम करना चाहते हैं। पहले जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी वो थी आटा, चीनी और ये आपकी डेयरी, हाँ यानी दूध जो हम लोग इनटेक कर रहे होते हैं। तो ये हम कुछ भी कर लें, हम अपने एशियन हाउस होल्ड से ये 3 चीज़ें नहीं निकाल सकते, ठीक है। रोटी हमने खानी है इन एनी केस, हमारी चाय है उसके अंदर दूध हम लेते हैं, और वैसे भी हम लोग बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंट का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि भाई दूध पियेंगे तो हड्डी में जान आएगी, नहीं हो सकता, हाँ हड्डी में जान आएगी। और चीनी तो फिर हर चीज़ में हमारे चीनी शामिल होती है, वो भी सफ़ेद चीनी। तो इसके अल्टरनेट्स क्या हैं और सस्ते तरीके से हम किस तरीके से अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को एक पहला स्टेप ले सकते हैं चेंज करने के? अच्छा, अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड को देखें ना, जिधर आपको पीसीओएस या इश्यूज कोई भी नहीं है, तो भी आप सबसे पहले तो चीनी, रिफाइंड चीनी को चेंज करके आप गुड़ पर आ जाएं, और या फिर आप असली जैसे शहद इस्तेमाल कर लें, जो भी आपको मीठा इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आप वाइट आटा ना इस्तेमाल करें, आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, या फुल लाल जो लाल आटा मिलता है, फुल चक्की का फ्रेश पिसा हुआ, वो इस्तेमाल कर लें। अपने घर में अच्छी चीज़ पकाएं और खिलाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप असली दूध, हार्मोन फ्री दूध ढूंढें अपनी फैमिली के लिए, और वो या तो डिलीवर कराएं या वो खुद जाके लें। अब तो फार्म्स हैं हर जगह, हर जगह फार्म्स हैं। अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ इतना आ रहे हैं कि आपको मिल जाएगा आसानी से, दूध भी यू नो चीज़ भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ कहीं कहीं मतलब अचीवेबल नहीं है। नहीं, अचीवेबल तो है अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी हैं और कमिटेड हैं, तो आपको कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, मतलब लेनी पड़ेंगी ना। मतलब जैसे आपको अगर आप महीने में 4 सूट बनाते हैं तो आप एक बना लें और आप बाकी पैसे इस पे लगा दें, या आप बाहर बहुत खाने खाते हैं तो आप बाहर कुछ स्किप कर दें और घर में वो खाने बना लें। प्रायोरिटीज बेसिकली प्रायोरिटाइज। हम आजकल जितना बाहर खाने पे खर्च करते हैं, अगर उतना हम अपनी डाइट और अपनी ऑर्गेनिक फूड पे खर्च कर लेना, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मसले हमारे वहाँ पे भी ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, आप बात कर रही थी एक्सपेंसिव की तो वो आटे में तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना दूध में पड़ेगा आपको, आई डोंट थिंक, बल्कि मेरे ख्याल से सस्ता पड़ता है चक्की वाला आटा। हाँ बिल्कुल। और तीसरी चीज आपने क्या पूछी थी, वो चीनी। हाँ तो गुड़ भी मुझे लगता है कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये तीन चीजें अगर आप चेंज करनी है, और इसमें एक चौथी चीज बहुत जरूरी है जो हम चेंज कर रहे हैं, हमारे घरों में जो तेल इस्तेमाल होता है, ठीक है। खैर ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं या तो बग़ैर तेल के खाना बनाओ या ऑलिव ऑयल में बनाओ। ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनता, ऑलिव ऑयल को सिर्फ ऊपर से आप इस्तेमाल कर लें, आप उसको उसके अंदर पका नहीं सकते। बाकी जितने आपको वेजिटेबल ऑयल्स मिल रहे हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। या तो आप कैसे, जैसे आपने कहा बैक टू बेसिक्स, तो पहले पकाते थे घी में या एनिमल फैट में, या फिर हम वो सरसों के तेल में बनाते थे, कोकोनट ऑयल में बनाते हैं। तो बस आप उन्हीं पे आ जाए ना, और वो आपको पता है सरसों का तेल आपको कम इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो गाढ़ा होता है। हाँ। और जब वो शुरू में ही जब आप उसको हीटअप करते हैं तो वो फैल जाता है। डाइट्स पे आते हैं और हम अपनी वो चीज़ें कट डाउन कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्टेज आती है जिसमें एक उसको सिम्टम भी कहा जाता है पीसीओएस का, कि वो आप हैंग्री फील करते हैं ऑल द टाइम। तो हैंग्री में बेसिकली होता यह है कि क्योंकि हमारी इस वक्त मेटाबॉलिक फंक्शन थोड़ा अफेक्टेड होता है और हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम जो खाना खा रहे होते हैं उस वक्त वो हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता और वो बन रहा होता है फ़ैट में। और फिर फ़ैट जब हमारा ये प्रोसेस पूरा, हमारा फ़ैट बर्निंग स्लो हो जाती है तो फिर हम लोग हमें क्रेव होना शुरू हो जाता है कि हम अब कुछ खाएं, अब हम कुछ खाएं, अब हम कुछ। उसको किस तरीके से कैटर करें, अपनी ये जो हम बीच बीच में अपनी हैंग्री स्टेजेस को किस तरीके से हैंडल करें। ये बड़ी एक टॉक्सिक सी साइकिल है, इसमें से निकलने के लिए आपको ना कोई बंदा चाहिए जो आपको जोड़े कि भाई डू दिस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम ये करो। एक्चुअली हम माइंडलेसली बहुत खाना खा रहे होते हैं ना, और उसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि क्या हमने खुद पकाया है, अब आया है हमारे सामने तो इस पे हम शुक्र कर रहे हैं या नहीं, और हम किस तरह उसको एंजॉय करके खा रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई भी चीज़ ले लें, एक मैं क्लाइंट्स को ये कहती हूँ जो चीट डे है ना, मुझे ये इस वर्ड से बहुत नफ़रत है, क्योंकि आप चीट डे अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं बाकी दिनों में जो हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैं इस दिन चीटिंग कर रही हूँ। व्हाट इज़ चीटिंग, व्हाई आर यू इवन टीचिंग योर बॉडी चीटिंग, यू नो। आप हर चीज़ एंजॉय करें ताकि आप उसको डाइजेस्ट तो कर सकें। अगर अच्छी एनर्जी नहीं उस खाने में होगी तो आपका गट कैसे डाइजेस्ट करेगा उसको। अगर हम न्यूट्रिशनल फूड को थैंकफुली खाएं, माइंडलेस ईट ना करें उसको कि बस ये तो अभी मैं बस वेट लॉस के लिए खा रही हूँ तो ये क्या खा रही हूँ, और ये समझ के खाएं कि दिस इज गुड फॉर मी। और दूसरा ये कि उसमें हम टेस्ट भी इनकॉर्पोरेट करें ना। हाँ। अच्छा ज़ैनब, अभी आपने कहा कि क्या ये इनएक्सपेंसिव तरीके से हम खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। आप बाहर निकलें, आप जितने सीजनल और आपके लोकल चीज़ें हैं ना आप वो ख़रीद के खाएँ। यानी कि अगर जैसे इस वक्त आपको शकरकंदी हर जगह मिल रही है, एंजॉय करें शकरकंदी, इट्स सो गुड फॉर यू। स्वीट पोटैटोज, या आप निकलें, अगर आपका दिल चाह रहा है कोई भी सब्जी बनाने का उसी वक्त लाएं, उसी वक्त पकाएं, अच्छे तेल में पकाएं, वो आपके लिए क्यों नहीं। और मारूख, ये भी तो हो सकता है ना कि हम अपनी क्वांटिटीज़ पे ध्यान दे दें। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कि अगर नहीं हम बहुत ज़्यादा कोई चेंज अपनी डाइट में करना चाह रहे हैं तो हमने क्वान्टिटीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। हाँ, मतलब क्वान्टिटी पर ध्यान दें। और मैं ये समझती हूँ कि थोड़े दिन के लिए आपको अपने आप को अंदर रिपेयर करने के लिए एक ऐसी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जिससे आपका गट सही हो। उसमें ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे कि बेकरी आइटम्स, जैसे कि हार्मफुल तेल जो ऑयल्स जिनकी हमने बात की है, जैसे कि ग्लूटेन, क्योंकि ग्लूटेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ग्लूटेन आप मुझे बताएंगी कि किस किस चीज़ में पाया जाता है। जो भी चीज़ व्हीट, बार्ली, राय की बनी हुई होगी उसमें ग्लूटेन है, जैसे कि रोटी है, आटा, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, बन्स, केक्स। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो दूसरे किसी आटे से बनी हुई है। गट क्लीनिंग में हाउ इफेक्टिव इज़ फास्टिंग? Oh, fasting is like amazing for us because basically आप अपने बैड बैक्टीरिया को भी तो के लिए। लेकिन फास्टिंग में मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जब शुरू करें ना तो आप 15 आवर्स से शुरू करें ताकि आपकी बॉडी स्लोली उस चीज़ को उससे यूज टू हो, क्योंकि अब हमारे यहाँ ट्रेंड आ गया है बहुत ज़्यादा खाने का, हर वक्त खाने का, कोई चीज़ खाने का, मीठा खाने का, स्नैक लेने का। मुझे लगता है फ़ास्ट फूड खाने से ज़्यादा और शौक से ज़्यादा ना स्टेटस सिंबल बन गए हैं कि ओ हम वहाँ गए थे, तुम गए थे या नहीं गए थे। और ये वाली सारी जो डिस्कशन है अमंग टीनेजर्स, अमंग अस एज वेल, कि हमें वो चीज़ खानी ही खानी है, चलो कुछ नहीं, जो आपने चीट डे बोला उस दिन तो खाएंगे ही खाएंगे। नया आया है या exactly. और अब हम लॉन्च हुई है, डाइट्स की बात कर रहे हैं, फास्टिंग की बात कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोग ये भी ना समझे कि हम स्टारवेशन की बात बिल्कुल। अच्छा, डाइट का ये समझा जाता है कि भूखा रहना है, कुछ खाना नहीं है, और जितने भूखे रहेंगे उतना वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, देखिए फास्टिंग और भूखा रहना वो हमने बचपन में भी सुना था ना कि जो तुम रोज़ा रख रहे हो वो एक नियत और इबादत के साथ होता है ना। तो इवन फास्टिंग, अगर आप जो आपकी फास्टिंग विंडो है उसमें आप पानी पिएं, ग्रीन टी पिएं, अगर ब्लैक कॉफ़ी पीनी है वो पिएं, या कोई किसी, मैं तो ब्रॉथ भी ले लेती हूँ, कोई वेजिटेबल का ब्रॉथ। आप उस लिहाज से ऐसे अपने आप को रखें जिसमें आप एनर्जी लॉस नहीं हो रहा हो, बल्कि आप मोर प्रोडक्टिव हो, माइंडफुल रहें। माइंडफुल रहें कि आप क्या खा, मैंने क्या एक्सपीरियंस की है वैसे फास्टिंग इंटरमिटेंट, और उसमें मुझे लगता है कि आप भूखे नहीं रह रहे होते उसके अंदर, उसमें क्योंकि वो आप एक विंडो दे रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें मैं करती थी, पानी पीना, ब्लैक कॉफ़ी लेना, ब्लैक टी लेना, तो उसमें मुझे लगता था आई एम मोर फोकस्ड। या मुझे ये भी कहना है कि फिर जब आपकी ईटिंग विंडो है ना, जो आपकी आपकी जितनी भी ईटिंग विंडो है उसमें आप सोच समझ के खाएं। और एक चीज़ है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस किस तरह से सेट करें कि वेट लॉस ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह के होते हैं कि 6 दिन डाइट की है, अभी तक मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, अभी तक मैं केजी भी नहीं गिरा। आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम क्या होता है? ओके, बेसिकली मेरा तो प्रोग्राम 6 मंथ्स का होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बिकॉज I feel, not I feel, but it is, it's a habit building program, right? तो every week जब हमारी meetings होती हैं, client और मैं, हम एक ऐसे इशू पे बात करते हैं जिसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, या कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जो क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करे ताकि वो एक हैबिट बन जाए। अच्छा, ये सारी तो हमने बहुत अवेयरनेस की और वो सारी बातें कर ली, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे करनी है कि जो औरतें या लड़कियाँ PCOS से गुजर रही होती हैं, उनको सोसाइटी कितना शेम कर रही होती है, और उसकी वजह से वो मज़ीद स्ट्रेस में जा रही होती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा पहली चीज़ हमारे लिए प्राइमरी है अपने स्ट्रेसेस को नॉर्मलाइज करना, उनको एड्रेस करना, और अपने रिलेशनशिप्स से ऑब्वियसली ये सब चीज़ें स्ट्रेस फैक्टर बन रही हैं। पता है, जब मेरी कंसल्टेशन होती है तो मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन में मेरा एक सवाल होता है जो मेरे फॉर्म में है कि विल योर फैमिली बी सपोर्टिव ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज फैमिली सपोर्ट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कोई नीचे बैठा हुआ है, गिरा हुआ है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आप उसको हाथ दें उठाने के लिए, और ना तो उसके ऊपर और आप खड़े हो जाएं। तो इसलिए मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड, सिस्टर्स, एवरीवन नीड्स टू बी सो सपोर्टिव, इवन फ्रेंड्स। कुछ लोग अपने फैमिलीज़ को नहीं बता पाते क्योंकि उनकी फैमिलीज़ नहीं समझती, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे ख्याल से अफेक्टी से ज़्यादा यहाँ पे अगर अफेक्टी के रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, यानी हस्बैंड्स हैं या मदर्स हैं, वो अगर चीज़ को एक्नॉलेज कर लें, क्योंकि PCOS की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल फ़याल 52% ख़वातीन इस टाइम पे PCOS से सफ़र कर रही हैं। सो दैट मीन्स एवरी अदर गर्ल इज़ अफेक्टेड बाय इट, एंड आई एम श्योर वन ऑफ यू इज़ वाचिंग इट। और थैंक यू सो मच मारूफ फॉर गिविंग अस सो मैनी टूल्स हियर, और जिनके मेरे ख्याल से एक नहीं तो कोई और ज़रूर काम करेगा आपके लिए। एंड मारूख, आई मस्ट से कि आपकी पूरी जर्नी देख के मुझे मिशेल ओबामा का वो कोट इतना रियल लग रहा है, व्हेन शी सेड कि अपनी एडवर्सिटी को अपने एडवांटेजेस समझें, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू डिड, एंड यू सफर्ड समथिंग एंड नाउ यू आर अ मेंटर ऑफ इट, एंड आई थिंक इट्स लाइक आई एम इन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। एंड मेरे लिए मेरी जो ट्रेनर थी, मैं आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू हर, एंड आई एम श्योर आपको भी यही फीडबैक मिलता होगा। यस, थैंक यू सो मच ज़ैनब। एक्चुअली मैंने अपने पेज का नाम भी PCOS पॉजिटिव इसीलिए रखा था बिकॉज आई डोंट वांट एनी गर्ल टू थिंक दैट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ लुक्ड डाउन अपॉन। इफ़ यू हैव PCOS, दिस इज़ अ नॉक एट योर डोर। नाउ यू नीड टू कमिट, प्रायोरिटाइज एंड देन यू विल सी चेंजेस, यू विल सी रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आपके पास भी कोई PCOS से रिलेटेड स्ट्रगल है और कोई स्टोरी है और अगर आपको इस एपिसोड ने हेल्प किया है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ राइट टू अस एंड कमेंट्स एंड ईमेल अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।